أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to House of Sciences My name is Kainat Ramzan Now we will discuss about the contribution of Muslim scientists on eye ठीक है आइस के बारे में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या किरदार है क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है क्या क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया है क्या क्या उन्होंने काम किया है तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे अली इब्न ईसा और इब्नुल हितम सबसे पहले हम अली इब्न ईसा की बात कर लेते हैं तो इन्होंने जो वर्क किया वो 950 से 1012 तक किया ये अरब साइंटिस्ट थे ठीक है इन्होंने तीन बुक्स लिखी ऑप्थमोलॉजी पे बेसिकली ऑप्थमोलॉजी क्या होती है ऑप्थमोलॉजी होती है कि स्टडी ऑफ डिजीजेस ठीक है हम इसमें आई की डिजीजेज देखनी होती हैं और उनकी सर्जरी को डिस्कस करना होता है कि वो कैसे सर्जरी परफॉर्म हो सकती है ठीक है उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मतलब इन्होंने 130 आई डिजीजेज को डिस्कवर किया कि अगर आई में ये डिफेक्ट है तो इतनी सी इतनी इतनी डिजीजेज हो सकती हैं 130 डिजीजेज फिर इन्होंने क्या किया इन 130 डिजीजेस की इन्होंने मेडिसिन तैयार की 143 ड्रग्स तैयार किए जो कि इनके ट्रीटमेंट करवाती होती थी ठीक है ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी अली इब्न ईसा की ठीक है उसके बाद हम इब्न हैथम की बात कर लेते हैं ये भी बेसिकली इन्होंने जो वर्क किया है वो 965 से 1039 तक किया ये भी अरब साइंटिस्ट थे इनका बेसिकली इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं ठीक है इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ आई पे और वीएन पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर किया है कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं इनकी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी ठीक है इनको हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहते हैं ऑप्टिक्स को कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ आई को ठीक है उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी क्या की हैं बुक्स भी लिखी हैं बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स जिसका नेम है ठीक है बुक लिखी थी इन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन भी किया उसमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वीएन के बारे में इन्होंने भी दी कि इम्प्रूव कर सकें जिससे हम अपने वीएन को ठीक है आई साइट को इम्प्रूव कर सकें ठीक है उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे मेडिसन और आई सर्जरी भी मतलब इन्होंने परफॉर्म करवाई इस पर भी इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे हम सर्जरी करवा सकते हैं अगर आई में ये डिफेक्ट है और मेडिसन भी बहुत सारी प्रिपेयर की ठीक है उसके बाद इन्होंने सेवरल इम्प्रूवमेंट्स थी इनकी ठीक है आई सर्जरी पे और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रोसेस ऑफ साइट को ठीक है और प्रोसेस ऑफ साइट को इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ आई कैसे बताया ठीक है उसके बाद फिर इन्होंने इमेज फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया था और साथ ही विजुअल सिस्टम भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था ठीक है उसके बाद इब्न हैथम ने एक प्रिंसिपल को डिस्क्राइब भी किया था जिसको हम पिन होल कैमरा भी कहते हैं ठीक है उसके बाद ये सारा टॉपिक हमने जो पढ़ा था पीछे रिसेप्टर्स ऑफ आई उसमें हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा और हमने डिसऑर्डर्स देखे उसके बाद हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस देख ली हैं तो लास्ट पे आप लोग ने आउल उल्लू तो देखा ही होगा ठीक है वो रात डे टाइम में देख नहीं सकता ठीक है जब वो डे टाइम में उसकी रीज़न क्या होती है कि वो डे टाइम में ये ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे ये भी आप लोग को करने ज़रूरी होती हैं ठीक है इन्फॉर्मेशन होती है नॉलेज गेन होता रहता है ठीक है तो इन ब्लॉक्स को भी कभी मत छोड़ा करें ठीक है आउल को देखें तो आउल जो था ये डे टाइम बाहर भी नहीं निकलता और इसके पास एबिलिटी भी नहीं होती कि ये डे टाइम में देख सके ठीक है नॉक चैनल्स कहते हैं ठीक है इनको ठीक है और बात ये है कि क्यों नहीं देख सकता था क्योंकि इसमें डिफिशेंसी होती है कॉर्न की ठीक है और ये रिसीव मतलब ब्राइट लाइट को ये रिसीव नहीं कर सकता था ठीक है अगर इनके पास डिफिशेंसी होगी कॉर्न्स की तो ये रिसीव भी नहीं कर सकेंगे ब्राइट लाइट को ठीक है लेकिन इनमें बहुत सारी कॉर्न्स प्रेजेंट होती हैं जो इनकी पावर ऑफ वीएन को नाइट टाइम में इनको एबिलिटी देती हैं कि वो बाहर जाएं अपनी फूड को प्रिपेयर करें मतलब अपनी फूड अगर इन्हें ढूंढें तो वो रात को ढूंढते हैं ठीक है और इनकी जो आईज होती हैं वो चमकती भी हैं ठीक है और बहुत सारे सर जो प्रे हैं वो रात के टाइम ही ये काम करते हैं ठीक है इनको हम नॉक जर्नल कहते हैं ठीक है और जो रात के वक्त होते हैं ठीक है ये था हमारे पास पूरा टॉपिक आई का अगर आप लोग को पार्ट वन में पार्ट टू में पार्ट थ्री में पार्ट फोर में जो मैंने यूट्यूब पे चैनल मैंने हर में एक के डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक्स ज़रूर दे दूँगी ठीक है और अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स में बता दें मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ हो गया